सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, अगर आप लोगों ने अपने पेटीएम वॉलेट में या पेटीएम में आप लोगों ने अपने एटीएम कार्ड को लिंक करके रखा है और अब आप लोग चाहते हैं अपने किसी भी रीजन की वजह से अपने एटीएम कार्ड को पेटीएम से रिमूव करना, यानी कि अनलिंक करना, डिलीट करना, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि पेटीएम से जो एटीएम कार्ड लिंक रहता है उसको कैसे रिमूव किया जाता है, तो फिर मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि पेटीएम से एटीएम कार्ड को कैसे रिमूव किया जाता है। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। फ्रेंड्स जब आप लोग पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ मिलता है आप लोग लोगों पे, जो अदर लोगों पे क्लिक कीजिए और ये मिलता है आप लोग पेमेंट सेटिंग्स, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग का जो यहाँ पे सेव्ड कार्ड है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को कार्ड को हटाने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। तो गाइस यहाँ पे मैं जो क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा, और आप लोग को पता है जो ओल्ड वर्जन था तो ओल्ड वर्जन में आप लोग जब भी कोई भी एटीएम कार्ड को लिंक कर लेते थे तो वहाँ पे आप लोग जो है रिमूव कर सकते थे, लेकिन नए वर्जन में अपना जो एटीएम कार्ड है पेटीएम से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पे ये वाला जो पेटीएम एप्लीकेशन है इसको आप लोगों को अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि गाइस ये नया वर्जन है। तो नए वर्जन में आप लोग यहाँ पे अपना जो एटीएम कार्ड है वो आप लोग यहाँ पे पेटीएम से रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग को ओल्ड वर्जन है वो आप लोग को डाउनलोड करना होगा। ओल्ड वर्जन की जो लिंक है मैं आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप ओल्ड वर्जन को डाउनलोड कर लेना। तो गाइस जब पेटीएम आप लोग का ओल्ड वर्जन डाउनलोड हो जाएगा तो आप लोग को यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलता है तो आप लोगों को अपने फाइल मैनेजर में चले जाना होगा। फाइल मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ मिलेगा APKS, यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिए और यहीं पे आप लोगों को पेटीएम मिल जाएगा। यहाँ पेटीएम पे आप लोग क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप लोग इस ओल्ड वर्जन वाले पेटीएम को यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए। तो फटाफट से मैं ओल्ड वर्जन का जो पेटीएम है यहाँ इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पे आप लोग ओपन पे क्लिक कीजिए और गाइस यहाँ पे आप लोग को पेटीएम को फिर से लॉग इन करना पड़ेगा जैसे आप लोग लॉग इन करते थे। तो नंबर डाल के और OTP डाल के मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा और प्रोसेस सिक्योरली पे मैं क्लिक करके अलाउ करके परमिशन दे दूँगा। OTP डाल के यहाँ पे मैं फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ और हमारा जो पेटीएम है वो लॉगिन यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। और अब गाइस यहाँ पे आप लोग इसको जो मिलता है यहाँ पे आई विल टू लेदर यहाँ मैं क्लिक करूँगा। अब गाइस यहाँ पे आप लोग को लोगो मिलेगा, यहाँ पे ये जो लोगो आ रहा है यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिए और जब आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो आप लोग इस तरीके के इंटरफेस पर आ जाएंगे। नीचे आइए, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग को मिलता है पेमेंट सेटिंग, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो आप लोग इस इंटरफेस पे आ जाएंगे, यहाँ मिलता है सेव्ड कार्ड, यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिए और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो कार्ड आ रहे हैं आप लोगों के, अब यहाँ से आप लोग अपने कार्ड को रिमूव कर पाएंगे। गाइस ये देख सकते हैं ये जो कार्ड है यहाँ पे आप लोग इस तरीके से स्वाइप करेंगे, यहाँ मिलता है डिलीट, डिलीट पर आप लोग क्लिक कीजिए और यहाँ मिलता है यस डिलीट कार्ड, यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यस कार्ड को आप लोग यहाँ से भी डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जितने भी कार्ड है मैं यहाँ पे सभी के सभी कार्ड में यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। स्वाइप करना होता है इस तरीके से और डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, यस कार्ड पे क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ये जो है नए अपडेट में आप लोग का जो प्रॉब्लम आ रही है डेबिट कार्ड को रिमूव करने में, तो आप लोग यहाँ पे ओल्ड वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। अब गाइस ये जो ओल्ड वर्जन है यहाँ पे, ये जो ओल्ड वर्जन आप लोग पेटीएम पे जाइए, सॉरी प्ले स्टोर पे जाइए और पेटीएम जो एप्लीकेशन है वो आप लोग नए वर्जन में अपडेट कर लीजिए। ठीक है, और आप लोगों का जो एटीएम कार्ड है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बड़े ही आसानी से अपने जो पेटीएम होता है नए वर्जन में पेटीएम अकाउंट से आप लोग एटीएम कार्ड को रिमूव कर सकते हैं। गाइस अगर आप लोग को नए अपडेट में पेटीएम अकाउंट से एटीएम कार्ड को रिमूव करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।